कोरोना कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक वाहन बंद है। बावजूद इसके सोलन की नौणी की शत प्रतिशत दिव्यांग लड़की उमा कुमारी सोलन अस्पताल में अपनी ड्यूटी देती रही। हालांकि प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान दिव्यांग व गर्भवती महिलाओं को कार्य पर ना बुलाने के आदेश दिए थे, लेकिन सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में सरकार के इन आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। दिव्यांग उमा कुमारी सोलन जिला के नौणी से सोलन अस्पताल में अपनी ड्यूटी देने जाती है। उमा को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। पहले ही उमा कुमारी शत प्रतिशत अक्षम है। बावजूद इसके सार्वजनिक परिवहन न चलने से इनकी मुसीबतें चार गुना हो गई है। कोविड संकट में इस लड़की के साहस को भुलाया नहीं जा सकता है, जो कई संकटों के बावजूद अस्पताल में अपनी ड्यूटी देने पहुँचती है। उमा देवी के अनुसार वह कोविड काल में अपनी सेवाएं देती रही है, हालांकि उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। 100% हैंडीकैप्ट हूँ और मैं नौनी से अप डाउन करती हूँ। गांव अनु से 2 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है नौनी तक, और फिर वहाँ से आजकल जैसे कोरोना का वो चल रहा है तो आजकल दिक्कत होती हैं, जैसे बसेस वगैरह कोई नहीं है तो मुझे कभी किसी की गाड़ी का वेट करना पड़ता, कभी किसी का गाड़ी का वेट करना पड़ता। तो गाड़ी वाले भी इस वक्त कोरोना की वजह से नहीं रोकते, तो कोरोना की वजह से नहीं रोक रहे हैं, तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। कई बार 3-3 घंटे तक मुझे खड़े रहना पड़ता, खड़े भी मुझे ढंग से नहीं रहा जाता, मेरी कंडीशन सब देख सकते हैं। तो पिछले साल भी जब मैं नहीं आई, थोड़े दिन के लिए तो आई थी मैं, तो बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे, तब भी कोई नहीं रोकता था। थोड़े दिन तो आई मैं, तब भी मेरे पस पड़ गई थी घुटनों में, तो मैंने फिर उसके बाद में आना बंद कर दिया। तो फिर उस वजह से मेरी पेमेंट रोक दी गई, फिर मुझे पेमेंट नहीं मिली। फिर मेरे को पता नहीं कहाँ कहाँ संघर्ष करना पड़ा। फिर मैं सीएमओ सर से भी मिली, सीएमओ सर ने बोला कि मिलेगी आपको, क्यों नहीं मिलेगी, आप हैंडीकैप पर्सन हैं, आपको मिलेगी। डॉक्टर राजन उपल जी ने कहा है कि मिलेगी आपको, आपकी पेमेंट कोई नहीं रोक सकता। मैंने तो कहा है, सर से भी कहा है कि मुझे किस तरह से आना है, अभी इतनी दूर से आना है, जैसे पहले भी आते गए वैसे आते गए, आना पड़ेगा। मैंने बोला कि पहले तो बसेस में आती थी मैं, बसों में आती थी, तो अब तो बसों सारी बंद है, सारी बसें, कोई भी बसें नहीं चल रही। सर ने कहा जी एमएसएल। सर इस कोरोना काल में मुझे कितनी दिक्कतें आ रही, बहुत दिक्कतें आ रही है सर। वहीं जब अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अध्यक्ष श्यामलाल वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम इनकी ड्यूटी कोरोना वार्ड में नहीं लगाते हैं और यहाँ जनरल वार्ड में ही इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। देखिए, जहाँ तक सरकार के आदेश हैं और सरकार का प्रोटोकॉल्स है, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं और जो विकलांग हैं उनको हम कोविड ड्यूटी पर नहीं लगाते हैं, क्योंकि सरकार के प्रोटोकॉल बहुत क्लियर हैं इस बारे में और सरकार इस बारे में बहुत चिंतित है कि इन लोगों को जाना इसमें कोविड ड्यूटी पे ना लगाया जाए, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन का खतरा ना हो। तो हमने भी हॉस्पिटल में ये प्रोटोकॉल पूरी तरह से 100% फॉलो किया है और किसी भी व्यक्ति की, किसी भी क्लास 4 की, किसी भी स्टाफ की ड्यूटी हमने कोविड काल में जो है ना इस कोविड के पेशेंट के साथ नहीं लगाई है, ये बिल्कुल क्लियर है। देखिए, सरकार के आदेश ये थे कि कुछ परसेंटेज ऑफ जो हमारे स्टाफ है, लाइक 50% है, 30% है, उसके हिसाब से सरकार ने आदेश किए थे। उसके हिसाब से जो हम हमने स्टाफ को जाना सेग्रीगेट कर देते हैं कि इतना स्टाफ ड्यूटी पर आएगा, पर ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं जो विकलांग की हैं, इनको इसी जगह पे नहीं लगाया जाता, हॉस्पिटल में कहीं भी इसी जगह पे नहीं लगाया जा गया है इनको, जहाँ पे हमारे कोविड के पेशेंट होते हैं। निश्चित तौर पर दीपक तले अंधेरे वाली कहावत यहाँ पर सार्थक होती नजर आ रही है। प्रदेश सरकार के आदेशों को किस तरह सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में धज्जियाँ उड़ाई गई, यह बात साबित करती है कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में स्वास्थ्य से जुड़ी अधिकारी सरकार की कितने सुनते हैं। बहरहाल इस दिव्यांग लड़की के जज्बे व हिम्मत को सलाम।